पुलिस ने द्वारका डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विशाल नाम का आरोपी परिवार के साथ ही रहता था। विशाल ने MBA कर रखा है। म्यूजिक टीचर और उनकी पत्नी की हत्या का आरोपी विशाल उनकी बेटी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन जब परिवार को पता चला कि विशाल पहले से शादीशुदा है तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे खफा होकर विशाल ने दिव्यांग म्यूजिक टीचर और उनकी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने विशाल के पास से करीब 1.5 लाख रुपए और चाकू बरामद करने का दावा किया है। इस बीच 24 घंटे में 9 हत्याओं पर दिल्ली के CM केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में एक के बाद एक गंभीर अपराध हो रहे हैं। बसंत विहार में एक बुजुर्ग दंपति और उनकी नौकरानी की हत्या कर दी गई। शहर में 24 घंटे में 9 हत्याएं हुई। दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए किसका दरवाजा खटखटाया जाए। कई हफ्तों से अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, चाहे वो मर्डर्स हों, चाहे वो मुखर्जी नगर में घटने वाली सड़क पर ऑलमोस्ट गैंग्स और वासीपुर जैसा सीन हो, आज दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि वो अपने घर में भी सुरक्षित है कि नहीं है। दिल्ली हमेशा से एक बहुत असुरक्षित शहरों में से जाना जाता है। दिल्ली में रहने वाली कोई भी महिला हो, रात को 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर कदम रखने में डर महसूस करती है।